हेलो स्टूडेंट, सुपरस्टार क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आप लोग विटामिन्स के विषय में जानेंगे। विटामिन्स क्या हैं, विटामिन्स को किसने खोजा था, विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आज आप सब डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन्स स्टूडेंट क्या होते हैं, विटामिन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। मोस्टली विटामिन्स जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों का बना हुआ होता है। विटामिन्स शरीर की उपापचय क्रियाओं का, विटामिन्स जो होते हैं उपापचय क्रियाओं का नियमन करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न ये पूछा जाता है कि विटामिन्स की खोज किसने की, किस साइंटिस्ट ने विटामिन्स को सर्वप्रथम डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, लूनिन ने। किसने, लूनिन ने। लूनिन ने किसको खोजा था, तो विटामिन्स को खोजा था। एक और बात कि विटामिन्स शब्द किसने दिया था, ये मतलब विटामिन शब्द किसने दिया था, तो सर्वप्रथम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, हॉपकिंस एंड फुंक। और मोस्टली एग्ज़ाम में फुंक दिया रहता है। विटामिन शब्द को किसने दिया था, तो स्टूडेंट्स फुंक ने दिया था। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी तक लगभग 25 विटामिन कुल ज्ञात किए गए हैं, और जिसमें 10 से 12 विटामिन कैसे होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं इसकी बात करते हैं। मोस्टली विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए डी ई के। स्टूडेंट्स यहाँ पर विटामिन जो वसा में फैट में सॉल्युबल विटामिन कितने होते हैं, तो ए डी ई के। कौन कौन से विटामिन, ए डी ई के। और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो जल में घुलनशील विटामिन। कौन से विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन ओनली टू हैं, बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन आप जान गए कौन कौन से हैं, बी और सी, और वसा में घुलनशील ए डी ई के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। अब हम आते हैं टाइप पर, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आप पढ़ेंगे विटामिन ए को। किसको, विटामिन ए को। अब सबसे पहला प्रश्न बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है या रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन ए की अगर किसी में कमी होती है तो क्या रोग उत्पन्न होता है। तो मोस्टली एग्ज़ाम में या बोर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है आपका रतौंधी रोग, ये किसकी कमी से होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और साथ साथ एक और डिजीज़ होता है जिसे बोलते हैं ज़ीरो फ्लैथमिया। कौन सा डिजीज़, ज़ीरो फ्लैथमिया। एक खास बात कि विटामिन ए का कार्य क्या है अगर पूछा जाए, तो इसका मुख्य काम ये होता है कि जो नेत्र शलाकाएँ होती हैं उनमें एक पिगमेंट बनाती हैं जिसे बोलते हैं रोडोप्सिन। कौन सा पिगमेंट, तो विटामिन ए किसका संश्लेषण करता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो रोडोप्सिन का। किसका, रोडोप्सिन का। क्योंकि जो आई होती है उसमें दो तरह की सेल्स होती हैं या दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, रॉड शलाकाएँ पाई जाती हैं। एक तो होती है कॉर्न सेल्स और दूसरी होती हैं रोडोप्सिन। तो यहाँ पर मोस्टली विटामिन ए से क्या संश्लेषित होता है, रोडोप्सिन। अब ये प्रश्न बनता है विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, तो आंसर होगा आपका गाजर। यानी गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन होती है, तो आपकी विटामिन ए होती है। इसके अलावा अगर फलों की बात करते हैं तो विटामिन किस में सर्वाधिक होता है, तो आपका विटामिन ए सर्वाधिक बात करता है, आम हो गया, आपका सेब हो गया, इन फलों में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। और साथ ही साथ अन्य दूसरे सोर्सेज की बात करते हैं, दूसरे स्रोत क्या है विटामिन के जिनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, तो इसमें आपका अंडा हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, और मछली का तेल हो गया, और बहुत सारी हरी सब्जियां, और साथ साथ यकृत। तो यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं विटामिन ए के, तो मोस्टली क्या है, अगर आप गाजर खाते हैं तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, तो विटामिन ए प्राप्त होगा।
इसके अलावा फल खाते हैं, बहुत सारे फल जिसमें आम खा सकते हैं, सेब में विटामिन ए की बहुत अच्छी मात्रा होती है, और साथ साथ अंडा मक्खन घी अगर खाते हैं और हरी वेजिटेबल्स खाते हैं तो विटामिन ए आपको बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स चलिए हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल। अब एक सिंपल सी बात पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि विटामिन ए को किस और विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना सनशाइन विटामिन, इसे किस नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे ये पूछे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो बड़े अच्छे से याद रखना रिकेट्स, कौन सा रोग, रिकेट्स स्टूडेंट्स। और रिकेट्स में समस्या क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं सूखा रोग, क्या बोलते हैं, सूखा रोग, यानी विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और मोस्टली जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है, किस में होता है, बच्चों में। और एक बात याद रखना है, एक और इससे मतलब विटामिन डी की कमी से एक और डिजीज़ होता है जिसको बोलते हैं आस्टियो मलेशिया, क्या बोलते हैं, आस्टियो मलेशिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पूछा जाता है कि आस्टियो मलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है लेकिन किन लोगों को होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो एडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, तो बड़े लोगों को कह सकते हैं, वयस्क लोगों को, कि कौन सा डिजीज़, तो आस्टियो मलेशिया डिजीज़ होता है विटामिन डी की कमी से। अब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, विटामिन डी हमको मुख्यतः मिलता कहाँ से है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम सुबह सुबह धूप में बैठते हैं, यानी कहने का मतलब सनलाइट में अगर बैठते हैं, तो हमारी त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, तो विटामिन डी संश्लेषित होता है। और इसे हमारी जो बॉडी होती है या त्वचा द्वारा ये संश्लेषित किया जाता है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो त्वचा द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो आंसर होगा आपका क्या, विटामिन डी। और ये मुख्यतः किन किन चीज़ों में या कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जहाँ ये आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है सनलाइट के अलावा, तो आप एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानते हो कि दूध जो होता है विटामिन डी का अच्छा रिसोर्स माना जाता है, कौन सा विटामिन डी का रिसोर्स अच्छा माना जाता है, दूध है, साथ साथ मक्खन हो गया, मांस हो गया, मछली का तेल हो गया, यकृत हो गया, इन सब रिसोर्सेस से आप विटामिन डी जो होता है बड़ी अच्छी प्रचुर मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर इसकी कमी हो जाती है अगर विटामिन डी की, तो जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं ये भंगुर होने लगते हैं, भंगुर मतलब मीन्स ये है कि ये ब्रेक करने लगते हैं या टूटने लगते हैं मोस्टली। एक और बात, विटामिन डी से कैल्शियम और फास्फोरस का क्षुद्रांत में अवशोषण, हड्डियों और दांतों का स्वस्थ एवं वृद्धि होना, यानी कहने का मीन्स अगर हमारे भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल रहा है, तो हमारे दांत और हड्डियां जल्दी ख़राब नहीं होती, वो कैसी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। तो आप लोगों ने विटामिन डी को जाना, इसी तरीके से विटामिन ई, और विटामिन डी कहाँ पर आप घुलनशील था, तो हम लोगों ने पढ़ा था फैट में सॉल्युबल विटामिन कौन से, ए डी ई के, कौन से विटामिन, ए डी ई के। और अगर जल में घुलनशील विटामिन पूछे जाएं आपसे तो मोस्टली कौन से विटामिन, तो बी और सी। तो हम स्टडी करेंगे क्या, विटामिन ई को। अब सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए एक बार जान लीजिए, टोकोफेराल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोकोफेराल, या इसी का दूसरा नाम विटामिन ई का क्या है, फर्टिलिटी विटामिन, क्या, फर्टिलिटी विटामिन, इसे फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, टोकोफेराल विटामिन भी कहा जाता है। और इसका एक और इंटरेस्टेड नाम है विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन, कौन सी विटामिन, तो दोस्तों यहाँ पर टोकोफेराल हो गया, इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो आप सिंपल सी बात है, यानी ये इनफर्टिलिटी, यानी जनन क्षमता में कमी, जिन लोगों के विटामिन ई कम होगा उन लोगों में जनन क्षमता की कमी मोस्टली पाई जाती है, और कुछ लोगों को पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति का शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर देता है या वो अच्छे तरीके से मूव नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति का अंगघात होता है, क्या होता है, अंगघात। इस प्रकार के डिजीज़ में बॉडी मोस्टली वर्कलेस हो जाती है, फंक्शनलेस हो जाती है, और व्यक्ति पड़ा रहता है, तो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। और जो मोस्टली जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन होती है वो विटामिन ई।
अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई के रिसोर्सेज की, वे कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, किन स्रोतों से विटामिन ई को ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो रिसोर्स माना जाता है आपका, जैसे मोस्टली तो हरी सब्जियां तो हैं ही विटामिन ई के रिसोर्सेज, साथ ही साथ सबसे अच्छा रिसोर्स है जो लोग हम गेहूँ खाते हैं, गेहूँ का जो दाना होता है उसकी ऊपरी सरफेस यानी उसकी भूसी, अगर आटे से निकली हुई भूसी का उपयोग किया जाए तो विटामिन ई का अच्छा रिसोर्स है जो कि। और अंडों से विटामिन ई प्राप्त होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से और मांस से भी, और वनस्पति तेलों से विटामिन ई को प्राप्त किया जा सकता है। तो काफ़ी विटामिन बी ई को किस नाम से और जाना जाता है, तो ब्यूटी विटामिन बी इसको कहा जाता है। मोस्टली इनफर्टिलिटी या पैरालिसिस डिजीज होते हैं किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन ई से। चलिए अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं विटामिन किसकी, के की बात कर लेते हैं, और विटामिन के है क्या। तो विटामिन के अगर आप जानिए तो रासायनिक नाम क्या है, नेप्टोक्विनोन, क्या बोलते हैं, नेप्टोक्विनोन, ऐसी को कहा जाता है। एक और नाम एंटी हेमरेजिक विटामिन, विटामिन के को क्या कहा जाता है, तो विटामिन के दो नाम, नेप्टोक्विनोन रासायनिक नाम है, एंटी हेमरेजिक विटामिन, विटामिन के का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रुधिर स्राव, ऐसी को बोलते हैं हेमरेज, क्या बोलते हैं, हेमरेज। जब व्यक्ति के अंदर विटामिन के की कमी होती है तो एक्सीडेंटल केस में उस व्यक्ति में क्या होता है, रुधिर का स्राव होने लगता है और रक्त बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो काफ़ी समय तक अगर किसी व्यक्ति का रुधिर निकल जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस कंडीशन, ये किन लोगों में कंडीशन पाई जाती है, जिन लोगों के अंदर क्या होता है, विटामिन के कम मात्रा में बनता है। और एक इसके लिए एक और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, कैल्शियम आयन, कौन से आयन, कैल्शियम आयन, यानी कैल्शियम का होना ज़रूरी है और विटामिन के का होना ज़रूरी है अगर रक्त का थक्का जमना है। अब आप जानिए हेमरेजिक कंडीशन किससे होती है, विटामिन के से होती है, इसका क्या नाम है, तो नेप्टोक्विनोन है। अब हम ये बात करते हैं कि विटामिन के का काम क्या है, रुधिर का थक्का जमने में, किसमें, रुधिर का थक्का किसके द्वारा जमता है, तो विटामिन के द्वारा। अब ये जान लें रिसोर्सेज क्या हैं इसके, तो सबसे पहले आप लोग घरों में टमाटर खाते हैं, अच्छा रिसोर्स माना जाता है, अंडा खाते हैं, ये भी बहुत अच्छा विटामिन के का के रिसोर्सेस हैं, और हरे पत्तेदार सब्जियाँ तो हैं ही, और सोयाबीन में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है, पनीर घरों में बनाया जाता है तो पनीर में भी विटामिन के की अच्छी मात्रा होती है, साथ साथ यकृत या लीवर में भी विटामिन के अच्छी मात्रा में भी पाया जाता है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन की, और इस बार आपकी कौन सी विटामिन हैं, मोस्टली आपकी जल में घुलनशील विटामिन, कौन सी विटामिन, जल में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, तो हमने बताया था आपको कौन सी, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील हैं, लेकिन जो बी जो होता है, बी विटामिन होता है, वो कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बी वन की, किसकी, बी वन की, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी वन जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, विटामिन बी वन का नाम क्या होता है, थायमिन, कौन सी विटामिन, तो यहाँ पर होती है आपकी थायमिन, कौन सी विटामिन, थायमिन। अब आप जान लीजिए इससे रोग कौन होता है, इसकी कमी से अगर विटामिन बी की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो कौन सा रोग डेवलप होता है, तो आप जान लीजिए बेरी बेरी रोग, कौन सा, बेरी बेरी रोग। अब इसके रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें जो है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो भी हम खाते हैं, हरी सब्जियां घरों में खाते हैं, उनमें मोस्टली कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन बी वन, अनाज के छिलकों में भी होती है, और मांस हो गया, दूध हो गया, और हरी फलियां वगैरह, अंडे हो गए, तो इन सब में विटामिन बी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। और जिसकी कमी से अगर ना मिले मतलब ये सब चीज़ें, तो बी वन की कमी से कौन सा रोग होगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें विटामिन की, तो आप जान लीजिए यहाँ पे विटामिन बी टू की बात करते हैं, तो बी टू का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना स्टूडेंट्स राइबोफ्लेविन, कौन सा विटामिन, राइबोफ्लेविन, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी से किलोसिस होता है, किलोसिस एक प्रकार का ओंटों का फटना, ऊँट का फटना कौन सा डिजीज होता है, तो किलोसिस। और साथ ही साथ क्या है,
डर्माइटिस यानी त्वचा संबंधी रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, तो बेटा बात यह है B2 को लेकर कि मोस्टली गेहूं में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में प्राप्त होता है, पनीर में प्रचुर मात्रा में होता है, ईस्ट मतलब खाने वाली ईस्ट जो होती है उसमें भी विटामिन B2 बड़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और ये शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल उपापचय में FAD और FMN के सह एंजाइम का भाग लेना। कहने का मतलब FAD FMN के लिए ये बनने में सहायक है और शरीर की क्या है वृद्धि के लिए सहायक होता है। कौन सा विटामिन? B2। कौन सा विटामिन? B2। तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। तो कौन कौन से रोग होते हैं? किलोसिस होता है, डर्माइटिस होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं V3 की। किसकी? V3 विटामिन की। तो यहाँ पर V3 जो विटामिन है आपका, वो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है इसका नाम V3 का? पेंटोथेनिक अम्ल। और इससे मोस्टली क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है? डर्माइटिस यानी त्वचा रोग। कौन सा रोग? त्वचा रोग। किस विटामिन की कमी से होता है? तो V3 की कमी से कौन सा रोग होता है? डर्माइटिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था V2, तो उससे भी क्या होता है? डर्माइटिस होता है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ इसके रिसोर्सेस हैं और किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त हो सकता है। तो मोस्टली आप टमाटर खाते हैं, B3 का रिसोर्स है। मूंगफली के दाने खाते हैं, वो विटामिन B3 का रिसोर्सेस है। दूध आपका है, मांस है, और साथ ही साथ अंडा, तो यकृत, लीवर, वृक्क, तो ये सभी किसके रिसोर्सेस हैं? तो मोस्टली आप याद रखिए, टमाटर हो गया, दूध हो गया, मांस, अंडा हो गया, यकृत, तो ये सब किसके रिसोर्सेस हैं? B3 के। और इससे कौन सा रोग होता है? तो डर्माइटिस यानी त्वचा रोग संबंधी समस्याएं होती हैं। अब जो नेक्स्ट विटामिन है वो आपका क्या है? तो आपकी इसको बोलते हैं B5, विटामिन B5, और इसका रासायनिक नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, निकोटिनिक अम्ल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि विटामिन B5 को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? निकोटिनिक अम्ल के नाम से जानते हैं, या इसी को बोलते हैं निकोटिनिक अम्ल को हम नियासिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन। क्या बोलते हैं? नियासिन। अब इससे क्या होता है, तो आप जान लीजिए सीधी सीधी बात, पैलाग्रा। क्या होता है? तो पैलाग्रा होता है, पाचन शक्ति छीण हो जाती है और जीभ त्वचा पर क्या बनने लगती है? पपड़ी टाइप। तो विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? पैलाग्रा। जीभ और त्वचा में क्या पड़ने लगती है? पपड़ी पड़ने लगती है। पाचन क्षमता कैसी हो जाती है? कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेस क्या हैं। तो रिसोर्सेस में आपकी दालें हो गई, यकृत हो गया, मांस हो गया, ईस्ट हो गया, अनाज हो गए, मछलियाँ हो गई, ये सब B5 के रिसोर्सेस हैं। और इसका नाम क्या हमने बताया था? तो नियासिन। क्या बताया था? नियासिन। और क्या बताया था? निकोटिनिक अम्ल बताया था। और ये किसके निर्माण में सहायक है? तो ये NAD NADP के श्वसन में प्रयोग होने वाले घटक हैं। चलिए विटामिन B6 की बात कर लेते हैं। तो विटामिन B6 क्या है? अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरीडॉक्सिन। क्या होता है स्टूडेंट? पायरीडॉक्सिन। किसका नाम होता है? B6 का। किसका नाम होता है? पायरीडॉक्सिन। तो B6 का होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से होता है एनेमिया। क्या होता है? एनेमिया यानी रक्त अल्पता या रक्त की कमी, और साथ साथ होता है डर्माइटिस। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि B6 की कमी से कौन सा रोग? तो एनीमिया। मोस्टली क्या पूछा जाता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो B6 की कमी से। अब किसी को अगर यानी B6 की कमी हो रही है, तो ये कहाँ कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए आप सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ खा सकते हैं, पत्तेदार, दूध खा सकते हैं, साथ ही साथ फल खा सकते हैं, और मांस खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, और साथ साथ क्या, तो ईस्ट भी खा सकते हैं। तो B6 के रिसोर्सेस हैं मोस्टली दूध हो गया, सब्जियाँ हो गई, अनाज। एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि विटामिन B6 की अगर बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्या है कि दूध काफ़ी विटामिन्स में आपको कॉमन तौर पर मिला होगा, साथ ही साथ आपको कहीं कहीं पर मछलियाँ भी मिली होंगी, और हरे पत्तेदार सब्जियाँ तो विटामिन्स के लिए जानी ही जाती हैं, क्योंकि मोस्टली विटामिन्स जो होते हैं हरे पत्तेदार सब्जियों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12। वेरी वेरी नहीं, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या अदर कोई एग्ज़ाम्स हो, B12 के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। इस लेक्चर के लिहाज से आप मानिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी विटामिन ई हो गया, जैसे
अब U12 हो गया तो इसका रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन किस विटामिन को बोलते हैं? B12 को बोलते हैं। किसको? B12 को। अभी हम लोगों ने पढ़ा था B6 की कमी से एनेमिया होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? पार्श्वाइनस एनेमिया, यानी जो एनेमिया का रोग होता है और भी घातक हो जाता है यहाँ पर B12 की कमी से। तो इसके लिए हमें, अगर हमें B12 को लेना है, मान लीजिए अच्छी मात्रा में शरीर में B12 संश्लेषित हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको दूध खाना पड़ेगा, अंडे खाने पड़ेंगे, मछली खानी पड़ेगी, मांस खाना पड़ेगा, और साथ साथ और भी चीज़ें। तो B12 के अच्छे रिसोर्सेस हैं, अब आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में क्या? फॉलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल। और फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? रक्तल्पता होती है। मतलब रक्तल्पता मीन्स ये होता है एनेमिया, किसका शिकार हो जाता है? एनेमिया का। अब फॉलिक अम्ल यानी, इसके लिए आपको क्या है? हरे पत्तियाँ, मतलब जैसे आपकी अगर पूछा जाए धनिया, हम लोग खाते हैं, फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है, सोयाबीन में होता है, साथ ही साथ अंडे में होता है, और भी रिसोर्सेस हैं, ईस्ट हो गया जैसे, और क्या है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है फॉलिक अम्ल। अगर आप लेते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल बनने लगते हैं आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में, और इससे शारीरिक वृद्धि और इसमें जो रुधिरण को यानी ब्लड सेल्स होती हैं उनका भी निर्माण होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉलिक अम्ल होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की, जो कि आपकी विटामिन है क्या? विटामिन एच। कौन सी विटामिन? एच। और विटामिन एच किसको बोलते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट मतलब रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। या इसी का दूसरा नाम क्या है विटामिन एच का? तो विटामिन सेवन। इसे भी देखो बायोटिन के नाम से जाना जाता है, B7 के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कमी से क्या होते हैं? कुछ चर्म रोग जैसी समस्याएं हो जाती हैं लोगों को, बाल झड़ने लगते हैं, तंत्रिका दंत विकार हो जाता है, तंत्रिका संबंधी न्यूरो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं काफ़ी लोगों को। तो मोस्टली विटामिन बायोटिन या B7 की कमी से चर्म रोग होता है, बालों का झड़ना, तंत्रिका विकार, ये सब कमियां हैं जो मोस्टली विटामिन एच की कमी से होती हैं। और इसे अगर आपको अच्छी मात्रा में संश्लेषित करना है तो आप टमाटर खाइए, मूंगफली के दाने खाइए, अंडा खाइए, बहुत ही ज़रूरी है, और एकरत वगैरह। चलिए विटामिन सी की बात कर लेते हैं। तो विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जो बनता है विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत सारा, एग्जाम में सबसे अच्छा प्रश्न तो ये पूछा जाता है विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं रासायनिक नाम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। किसका? विटामिन सी का। अब इसकी कमी से एक सिंपल सा जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। अब जैसे मसूड़े हैं लोगों के, मसूड़े जो दांत हैं उनके पास जो मसूड़े पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? रक्त स्राव होता है, रक्त निकलने लगता है और भार की कमी हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होती है, यानी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी विटामिन सी की कमी से, जन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो और सबसे अच्छा रिसोर्स अगर पूछा जाए विटामिन सी का, सबसे अच्छा रिसोर्स या सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? तो यहाँ पर क्या है? आंवला। साथ ही साथ हम कह सकते हैं विटामिन सी खट्टे फलों के लिए जाना जाता है, और जितने भी खट्टे फल हैं मोस्टली उनमें विटामिन सी पाया जाता है, और सर्वाधिक अगर पूछा जाए विटामिन सी किस में पाया जाता है तो आंवले में। और घरों में हम लोग आमतौर पर नींबू खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, संतरा खाते हैं, अनानास खाते हैं, नारंगी खाते हैं, हरे पत्तेदार और रसीले खट्टे फल भी खाते हैं। तो सब क्या हैं? विटामिन सी के अच्छे रिसोर्सेस हैं। तो मोस्टली किस में? तो आप बता देना सर्वाधिक किस में? तो आंवले में, और नींबू तो आप जानते ही हैं, संतरा आप बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो इन सब फलों में क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो मतलब जो विटामिन सी किस में सहायक होता है? तो रुधिर का थक्का जमने में भी काफ़ी सहायता करता है घाव भरने में, सॉरी घाव भरने में कौन सा विटामिन बढ़िया काम करता है या अच्छा वर्क करता है? तो विटामिन सी। काफ़ी अच्छे प्रश्न थे यहाँ पर। और हम इसी श्रृंखला में अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट इसके विटामिन के रिवीजन पर बात करते हैं, रिव्यू देते हैं विटामिन का, कि अभी जितने भी विटामिन हम लोगों ने डिस्कस किए या कवर किए, हम लोगों ने पढ़े और समझे, तो आप लोगों के लिए एक रिव्यू दे रहे हैं इसके माध्यम से। और वो रिव्यू क्या है, बड़ा अच्छे से आप जान लीजिए कि हम लोगों ने विटामिन ए पढ़ा था, किस रासायनिक नाम क्या होता है? तो बड़े अच्छे से आप लोग जानते होंगे विटामिन ए को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा था, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन से दो डिजीज पड़े थे? तो रतौंधी पड़ा था, रात के समय लोगों को दिखाई ना देना, रतौंधी होता है। और कौन सा दूसरा डिजीज पड़ा था? जीरोफिलेक्मिया। हम लोगों ने विटामिन बी की बात की थी, तो आपको पता है बी विटामिन और सी विटामिन किस में घुलनशील है? जल में। तो B1 क्या होता है? इसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। और इसकी कमी से क्या होता है? वेरी वेरी रोग, या कह सकते हैं पेट में खाना अच्छे से नहीं बचता है, तो कब्ज वगैरह किसी गायद लोगों को रहती है। तो बी वन को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? थायमिन। विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए यहाँ पर, कि जो B12 है आपका B2, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होता है क्लोसिस। क्या होता है? क्लोसिस। चलिए नेक्स्ट विटामिन आपकी B3, इसको क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक।
और इसकी कमी से क्या होता है, तो बच्चों की वृद्धि या बालों का सफ़ेद होना इसके मुख्य हैं। फिर B5 की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, निकोटीन या नियासिन। पहला ग्रह होता है क्या, कौन सा रोग होता है, पहला ग्रह होता है, जान लीजिए। B6 को क्या बोलते हैं, पायरेडॉक्सिन बोलते हैं रासायनिक नाम में। रासायनिक नाम क्या होता है B6 का, अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, तो B6 को बोलते हैं पायरेडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है, तल एनेमिया हो जाता है, रक्तअल्पता हो जाती है या किडनी स्टोन बन जाता है इसकी कमी से, एनेमिया। B9 की बात करते हैं, फॉलिकम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, फॉलिकम को। तो मेगाब्लास्टिक एनेमिया किससे होती है, तो मेगाब्लास्टिक एनेमिया आपके किससे होती है, तो ये होती है आपके B9 से। B12 की बात करते हैं, B12 क्या है, नेक्स्ट विटामिन में B12 क्या है, तो साइनोकोवालामिन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, साइनोकोवालामिन। किस विटामिन को कहा जाता है, तो B12 को कहा जाता है। इससे कौन सा डिजीज या रोग होता है, परसाइनस एनेमिया। कौन सा रोग, परसाइनस एनेमिया। अगर विटामिन सी को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था बहुत ही जल्दी, इस कार्बिकम बोलते हैं इसको, तो इसकी कमी से कौन सा रोग, तो इससे क्या होते हैं, मसूड़े खराब होने, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। डी की बात करते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इससे दो डिजीज होते हैं, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई की बात कर लेते हैं, तो विटामिन ई की बात जब करते हैं तो इसको बोलते हैं टोकोफेरा, और इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। और विटामिन डी को किस नाम से, सनशाइन विटामिन। और विटामिन ए को और क्या नाम, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, तो एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं इसको, ए को। और जनन क्षमता में कमी होती है ई की कमी से। विटामिन बी के क्या है यहाँ पर, तो इसे एम्फिनोक्विनोन भी बोलते हैं, नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी विटामिन थी, आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें बेहतर करेंगे, और आने वाले वीडियोस भी हमारे बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे, नॉलेजफुल होंगे, और आप इससे अच्छा सीख सकेंगे। आपके लिए बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामना।